अब ये बात का मैं पायोनियर हूँ इसलिए मुझे मालूम है, जब ये मेरे ध्यान में है तो मुझे घोटाला एक वाक्य में यही हुआ। पर ये पॉलिसी अप्रूव्ड बाय फाइनेंशियल कैबिनेट, फाइनेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी उन्होंने अप्रूव की, कैबिनेट सब कमेटी उन्होंने अप्रूव की, पीएमओ उन्होंने अप्रूव की, प्राइम मिनिस्टर ने साइन करके अप्रूव किया। कलमाड़ी तो ठीक है, जब किया उसने उसको सजा मिलेगी, पर आप सबने इस नीति को अपने आपका क्या, आप इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये बताइए ना। आपको ध्यान में नहीं आया कि चाय पिलाने के लिए कॉमनवेल्थ गेम में ताज कैटरिंग ने कोई फॉरेन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट का ये किया, जॉइंट वेंचर किया। जब जॉइंट वेंचर होता है तो नेचुरली वो मुनाफा वो पैसे लेगा ही। संडास की टाइल्स चिपकाने के लिए क्या दिल्ली में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है? मुझे लगता है कि ये बेसिकली जो लूट हुई है, ये कॉमनवेल्थ गेम का 3-4 हज़ार करोड़ का काम 70 हज़ार करोड़ तक गया, और ये 70 हज़ार करोड़ का इसमें कितना चूना देशवासियों को लगाया, जब देश में पीने के लिए पानी नहीं, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर खेती को पानी मिलता तो इस देश का भाग्य बदल जाता। जो कॉमनवेल्थ गेम में हुआ वो 2G स्पेक्ट्रम में हुआ। अब ये राजा ने पत्र लिखा है वो सामने नहीं आया, प्रधानमंत्री को जिसे डटा कर उसने पत्र लिखा था, उसका अर्थ ऐसा है जो मैंने निकाला। आप कैसे पूछ रहे हो, ये खाता आपने डीएम को आउटसोर्स किया है और इसमें जो तुम्हारे ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी है इसमें प्राइजिंग का विषय आप कैसे डाल रहे हैं, ये तो हमसे तय हुआ है कि ये लक्ष्मी दर्शन का भाग्य केवल हमको ही मिलेगा और ये आपका अधिकार नहीं है। और उस पत्र पर प्रधान सेक्रेटरी ने लिखा है कि दिस इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद में भी प्रधानमंत्री जी ने उसको अप्रूव किया और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में प्राइजिंग के विषय को उसमें से ड्रॉप कर दिया। ये कौन सा कारण है? अगर उसी समय अगर कहते कि नो मैं आपको इसमें अलाउ नहीं करूंगा तो ये नौबत नहीं आती। और एक प्रकार से अलायंस पार्टनर को आउटसोर्स किया डिपार्टमेंट कि जैसे हम यहाँ खाएंगे तुम यहाँ खाओ, हम यहाँ खाएंगे तुम यहाँ खाओ। और अब कुछ आया, मैं मजाक में मैंने शायरी सभा कह दिया, राजा ये भ्रष्टाचार का प्रतीक है भारत में, पर भारत के रूप में अनेक भ्रष्टाचारी कांग्रेसी उसके साथ शामिल थे जिनका भी संबंध इन सब विषयों के साथ है। और इसमें सब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट के मंत्री उस विभाग के उनने समय समय पर दिया हुआ अप्रूव इसके, अभी अभी तो मेरे पास सब फाइल्स ही है। कोई भी आरोप जितने मैंने किए थे वो सब रिकॉर्ड थे क्योंकि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में सब जानकारियां मिलती है, कोई बाहर के आरोप नहीं है। और मुझे लगता है कि अब तो जो बोफोर्स के बारे में आया है, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, वो लंदन बैंक में पैसे थे तो यहाँ से सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लंदन भेजा, कॉटरची को जो पैसे चाहिए थे विड्रॉ करने के लिए उसको एनओसी दिया कि नहीं इसमें कोई संबंध नहीं, करो। इनकी तो बात चल जाती हो, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने नहीं किया, वो भी मेरे पास दस्तावेज है, वो भी विषय समाप्त कर रहे थे। अब वो अकाउंट नंबर है मेरे पास, सब जानकारी आज मैं सब नहीं बताऊंगा। कॉटरोची के अकाउंट से पैसे किसको गए? वो जो वीन चड्ढा की जो कंपनी है, एक वो कागज, कंपनी का नाम और अकाउंट नंबर सब है, उस हर्ष चड्ढा, इसका जो ये है एंट्रोनिक्स कॉरपोरेशन, और इसके मुझे पास अकाउंट नंबर भी है, पूरे व्यवहार भी, आज मैं उस पर नहीं बोलूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि मारिया कॉटरेची और कॉटरोची इनके ड्राइवर ने सीबीआई के सामने लिखित बयान दिया हुआ है कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी के घर पे डायरेक्ट उनको एक्सेस था, कोई सिक्योरिटी से पूछताछ नहीं हुई, और कॉटरोची को जिस प्रकार से रिलीज ही किया गया, उसकी क्लेस केस क्लोज की गई। अब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद ये सिद्ध होता है कि जो बोफोर्स से कमीशन ये विन चड्ढा के कंपनी को मिला, जिसके लिए आज वो नहीं है, हर्ष चड्ढा मालिक है, उससे उस कंपनी से कॉटरेची को चेक गए हुए और कॉटरेची के पैसे और लोगों को गए हुए, उसका क्या? और ये सब ब्लैक मनी, ये ब्लैक ही मनी कहना चाहिए,
ये स्विस बैंकों में डीलिंग हुआ है, ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण। हसन अली के केस में ये एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके बारे में उसने जो व्यवहार किया है वो 76,000 करोड़, वो हसन अली की तो मजाक है, मेरे समझ में नहीं आती कि उसके ऊपर तारीख लेकर मैं आया हूँ। 2008 में उनके ऊपर 2008 में उसको अरेस्ट करने के वारंट निकले और उसको रिकॉर्ड में बता गया एब्सकॉन्डेंट है और एक टीवी चैनल ने उसको टीवी देखते हुए रेस कोर्स पर दिखाया, घोड़ों की रेस वो देख रहा था। क्या हुआ हसन अली का? इस देश में 76,000 करोड़ उसका अकेले का व्यवहार है, ये कौन हसन अली है, किसका लगता है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई इसका जवाब नहीं देता। जून 2009 में प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पार्लियामेंट के सामने कहा है कि हम इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं, जल्दी ही ये पूरी बातें तथ्य लोगों जनता के सामने आएंगे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हमने आश्वासन दिया, कुछ नहीं हुआ। 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दावा किया था कि सत्ता में लौटने के पहले 100 दिनों में सरकार इस काले धन को वापस लाने की प्रयास करेगी। आज 610 दिन हुए हैं 31 जनवरी 2011 आज के तारीख में, 23 मई 2009 को उन्होंने कहा था, 610 दिन बीत गए। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी बताइए आपने 610 दिन में इस पर क्या काम किया है, क्या कार्रवाई की है, आप देख सकते हैं जवाब हिंदुस्तान के जनता को, क्या हिंदुस्तान की जनता को यह सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? और ऐसे एक नहीं अनेक बातें हैं। यूएन कन्वेंशन में 140 देश आए थे, शांता कुमार जी आज नहीं है वो वहीं थे, और उस समय 117 देशों ने अपने लॉ को रेटिफाई करके उन्होंने पैसे, छोटे छोटे देश है, पेरू फेरू वक्त छोटे लोग हैं, फिलीपाइंस और उन्होंने अपना पैसा वापस ले गया, जर्मनी अमेरिका तो गई, जर्मनी ने तो वहाँ ब्राइब देकर वो लिस्ट लाई है, और उन्होंने, मेरी जानकारी यह है कि जर्मनी ने ऑलरेडी हिंदुस्तान सरकार को करीब 3 साल पहले वो लिस्ट और उसके डिटेल्स नामों के साथ दी है, ये भी जानकारी है। अब मुझे आप बताइए कि इसके बाद में यूपीए सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने इस विषय पर क्या कार्रवाई की? अब ये जो अमाउंट है ये कम से कम अमाउंट कितने, इसके बारे में जो चर्चा हो रही है, ये 21,00,000 करोड़, आप मुझे बताइए कितनी बड़ी अमाउंट है। अगर हिंदुस्तान में अगर किसानों के खेती को पानी मिला तो कितनी जमीन पानी के नीचे आएगी, कितने गांव में अस्पताल बनेंगे, कितने रोड बनेंगे, ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ये काय के लिए टैक्सेशन बढ़ेगा, देश के विकास में इसका कितना उपयोग हो सकता है? ये पैसा जो गया इन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की, सेल टैक्स की, एक्साइज की, वैट की। जून 2007 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम के नारायण साहब ने कहा है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, ये माफिया जो ड्रग का व्यापार करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह हो रही है, सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये काले धन का बड़े प्रमाण पर उपयोग हो रहा है, इसका, इसको ढूंढना चाहिए, ये स्टेटमेंट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किया है 2007 में, सबके स्टेटमेंट्स हैं। मुझे बताइए कि ये सब होने के बाद देश की जनता को इसका अधिकार नहीं है क्या? ये पैसा देश के गरीब आदमी के विकास के लिए खर्चा नहीं हो सकता? और ये बात है तो करो ना नाम जाहिर। मुझे कल एक पत्रकार ने पूछा आपके पार्टी का कोई होगा तो उसका भी नाम जाहिर करो, कोई डर रहे क्या इस बात को? जो भी हो तो देश के साथ बेईमानी करता है, विश्वासघात करता है, यहां से पैसा लेकर टैक्स चोरी करके, ये क्रिमिनल है, एंड क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती, जो भी हो पार्टी नहीं होती,